कोई स्पिरिट है? सूर्य भाई आवाज आई थी, आवाज आई यार सूर्य भाई यार, ये भाई शिष्य करने की आवाज। हाँ यार समझ नहीं आया यार, जैसे एंटर हुआ इस लोकेशन पे एंटर होते ही शिष्य करने की आवाज आई थी और इंस्टेंट हमने कैमरा ऑन कर लिया। अभी 12 बजने में मैं भी 20 से 22 मिनट है। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं आपका अपना भाई सूर्य आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, और जो मेरे हम उम्र साथी हैं उन सभी को दिल से बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा रिस्पेक्ट। भाई आपका भाई जो काम कर रहा है वो पूरी मेहनत से कर रहा है, मतलब जितना मुझे लगता है मैं अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ। अब आप लोगों को जितना एफर्ट मेरा पसंद आ रहा हो प्लीज एक कमेंट जरूर करना। बाकी आज एक हॉन्टेड लोकेशन पे खड़े हैं और ये गांव है तिलोनिया। इस गांव की जो कहानी है या इस लोकेशन का जो इंसिडेंट है वो इतना ज्यादा भयभीत करने वाला है अंदर से, या एकदम से डरा देने वाला है, क्योंकि जो घटना यहाँ पे हुई है उस घटना को अब मैं बोल रहा हूं ना भाई, बोलते हो मुझे शर्म आ रहा है, क्योंकि लोग ना उस उम्र के पड़ाव में जाते ही अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। भाई क्या मतलब, मेरे को ये समझ नहीं आता कि सबके सब पागल हो जाते हैं क्या, पागल हो जाते हैं क्या सबके सब, ये बता दो मुझे, तो एक जवाब दे दो। अंदर से गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं लाउड नहीं बोल रहा हूं, प्यार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस लोकेशन को देख लेना शुरू से लेके एंड तक। उससे पहले यहाँ का जो घटना है उसको सुनना ध्यान से, मैं इसको भाषण मत समझना आज, क्योंकि आज अगर मैं 20 मिनट भी बोलता हूँ तो आप लोगों को सुनना पड़ेगा। अंदर से बोल रहा हूँ, गुस्सा भरा पड़ा है बहुत ज्यादा, कर नहीं रहा गुस्सा। आज जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं यहाँ की घटना है 2 साल पहले की। एक गवर्नमेंट स्कूल की लड़की जो 8वीं से 9वीं क्लास की थी, भाई 8वीं से जैसे 9वीं क्लास में एंटर होता है पता नहीं कौन सा जुनून चढ़ता है, कौन सा इश्क का भूत सवार होता है इंसान के ऊपर, ये तो प्यार कर लिया, ये तो मेरा है, फिर उसके लिए मर जाएंगे मिट जाएंगे। सही बात बोली सूर्य भाई तूने, एक नंबर बात बोली। एक नंबर नहीं भाई, गुस्सा आ रहा है अंदर से, मैं तो कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। ये भाई ये बात शोर है, रियलिटी है जी, रियलिटी है, मुझे पता है। आठवीं तक तो कुछ भी शोर नहीं, तभी तो ये इंसिडेंट ये घटना हुई है, रियलिटी है तभी तो हुआ है। आज से 2 साल पहले सरकारी स्कूल की एक लड़की, जब सरकारी स्कूल का टाइम हुआ करता था 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, 9वीं क्लास में एंटर होते भाई इसका भूत चढ़ा। इसका भूत चढ़ने के बाद में जो इश्क हुआ वो परवान चढ़ने लगा धीरे 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 धीरे। उसके बाद भाई पता नहीं क्या, कैसे बोलूं मैं इस कैसे सुनाऊं इस स्टोरी को, मैं यहाँ पे इतना दिमाग खराब हो रहा ना अंदर से कि बोलना पड़ेगा, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोलूंगा नहीं ना तो आप लोग अभी से स्किप करके चले जाओगे। मैं आप लोगों को अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए थोड़ी सी झिझक है अंदर कि उस 9वीं क्लास की लड़की में इतना जुनून सवार हो गया था कि वो लड़की, मतलब वो होता है ना लंच टाइम होता है जब उस लड़के के साथ में सिर्फ मिलने के लिए आई थी या कुछ और करने, मैं श्योरली नहीं बोल सकता, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में आपको यकीन करना पड़ेगा मेरी बातों पर। जो मेरे पीछे अभी जिस लोकेशन को हम चलने वाले हैं वो लोकेशन दिखाऊंगा आपको, वहां पे खंडर है, वीरान है, वो थोड़ी सी जगह आता नहीं है मेंस यहाँ पे कोई, और स्कूल यहाँ से 400 से 600 मीटर के आसपास में, ये पास में सूर्य भाई अपन देख के आए, 600 मीटर कोई ज्यादा नहीं होता है, इतना सा ही दूर है। वो लंच टाइम में निकल के आई, वो दोनों इशक जादे निकल के आए घर से, वहां सॉरी स्कूल से,
यहाँ करके इश्क फरमा रहे थे। अब यही चीज हो सकता है कि उस लड़के की साजिश थी या कुछ और, श्योरिटी से नहीं बोल सकता, लेकिन जब वो इश्क फरमा रहे थे यहाँ पे, तब उस लड़के आए और उन्होंने जो है उस लड़की को और उस लड़के को साथ में देख लिया। मे भी हो सकता है ये साजिश का हिस्सा हो या कुछ और, लेकिन उसके बाद सब लोगों ने बारी बारी से उस लड़की की इज्जत अभी नहीं बोलूंगा। आखिरकार वो लड़की मर गई भाई। उसके बाद से सनसनी मची, लेकिन खुलासा नहीं हुआ। एक साल पहले ही जब खुलासा हुआ, तब सामने आई बातें कुछ जो दिल को चीर देने वाली थी अंदर से। उन लड़कों का सच सामने आया, क्योंकि दारू पीते हुए या ऐसे कुछ सिगरेट विगरेट करने से, किसी बात से, बहाने से वो बात बाहर निकली। और एक साल पहले उन लड़कों को पकड़ लिया गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ भाई। लेकिन इस घर पे मौत का साया मंडराता रहता है। वो लड़की मर चुकी थी, उसकी स्पिरिट यहाँ नजर आती है। हम अंदर से भावना रखते हैं प्रेम की, लेकिन उस लड़की के साथ जो गलत हुआ, वो प्रेम ना ही अब दिखा सकती है ना ही कर सकती है। इतना मुझे समझ में आ चुका है कि जितना हम्बल हम होकर के बात करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा अग्रेसिव होकर के वो हमारे ऊपर अटैक भी कर सकती है, क्योंकि उसके साथ में जबरदस्ती हुई थी इस जगह पे। बिल्कुल सूर्या भाई, मेरी बातें खत्म हो चुकी है, अब लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। आनंद भाई साथ रहना। ये जो लोग इधर का जो एरिया देख रहे ना, पूरी तरह से वीरान पड़ा है, बंजर पड़ा है। अब आपके मन में सवाल नहीं रहेगा इस लोकेशन को लेकर के, क्योंकि इस लोकेशन को देख के वाइब भी ऐसी आती है भाई, ये खंडर पड़ा है, यहाँ कोई भी इसको फरमाने आ सकता है भाई। मैं रिस्पेक्ट नहीं करता भाई, सच बताऊं तो मैं तो रिस्पेक्ट नहीं करता। जो प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि अपनी पढ़ाई को छोड़ के, अपने परिवार की इज्जत को छोड़ के ऐसा सब कुछ करने लग जाए, मैं तो नहीं कर सकता भाई। मैं ना सहन कर सकता हूँ, ना फोन करता हूँ, ना इज्जत दे सकता हूँ। सूर्या भाई ये तो छोड़ ली बात है कि जैसे नवी में आ जाता ना बंदा या लड़की, अलग से ना मतलब जुनून आता अलग ही, जैसे बोलते हैं शरूर। और ना ये कोई, ये वीडियो मेरी अगर कोई स्कूल वाले देख रहे हैं तो अभी संभल जाना, क्योंकि जिस दिन मुझसे सामना हो गया ना, सच बता रहा हूँ, इतने थप्पड़ मारूंगा, इतने थप्पड़ मारूंगा कि सारे भूत उतर जाएंगे। पढ़ाई और इज्जत देख लो घर वालों की भाई। दो मिनट का इश्क है और कुछ भी नहीं सूर्या भाई। एक पल के लिए लगता है कि ये इंसान अपना है, लेकिन सब सब ना सब उस वक्त जिस्म के पीछे भागते हैं। मैं लड़का होकर के ये बात बोल रहा हूँ, लड़के ही नहीं, लड़कियां भी करती है भाई। लड़कियां भी जो है इश्क में, लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई लड़के लड़के खराब है, नहीं भाई, लड़कियां भी होती है दोनों, लेकिन सारी नहीं होती है और सारे लड़के भी नहीं होते। मैं तो दम रखता हूँ साला, सामने अगर कोई मेरा ऐसा सामने नजर आ जाए ना, या ऐसी कोई हरकत आ जाए मेरे सामने जिसको मैं जानता हूँ, तो साला छाती में गोली मार दूं मैं। लेकिन यहाँ पे हमदर्दी तो नहीं, लेकिन एक उस लड़की को मैं अपनापन जताऊंगा, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ था। एक अपनापन जो होना चाहिए वो जरूर जताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ना प्रेम भी है तो गुस्सा भी है, और गुस्सा अपनों पे किया जाता है। आनंद भाई ध्यान रखना, ठीक है? ऐसी भी रह जाएगी तो बाद में विजिट करेंगे। लोकेशन भाई अंदर से इमोशनल भी हूँ और थोड़ा सा गुस्सेल भी, पर आप लोगों को प्लीज मेरा साथ देना होगा आज,
मैं दावा करके बोल रहा हूँ मेरा साथ देना होगा आपको, क्योंकि आपके साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सही बात है, ये जितनी बातें बोलता हूँ भाई मेरे ऊपर एलिगेशन लगते हैं बहुत सारे, ये ऐसे ये वैसे। पर ना हर किसी चीज को ऐसे नहीं बोला जा सकता, हिम्मत हो, हिम्मत चाहिए अंदर। मैं लगता हूँ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब जब आप लोगों को याद करता हूँ, आप सभी को याद करता हूँ ना, तब अंदर से हिम्मत जागती है मेरी। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जितना आप लोग करोगे उतना ज्यादा आप मोटिवेट में होने के लिए तैयार हूँ, और आगे जाने के लिए जितनी हो सकता है उतना रिस्क मैं लूंगा, जितना हो सकता है अपना एफर्ट पूरा दूंगा। मेरे साथ में आनंद भाई ये पूरा साथ देंगे मेरा, मुझे यकीन है। बिल्कुल सूर्य सूर्य भाई, यार ये दवाई का डब्बा लग रहा है यार, ये हाँ भाई दवाई का ही, इसके अंदर पता नहीं कुछ है। ये है तो दवाई का, एक सेकंड, ये इसमें तो भाई ये क्या है, इसमें पासन पासन पास पास पास, ये तो बहुत पुराना है यार। सितंबर 11, अक्टूबर 9 से सितंबर 11 तक, मतलब सितंबर 11 में एक्सपायर हो चुका था, तो ये घर उससे पहले से वीरान है। ये दवाई की दवाई की दवाई की शीशी है, दवाई की शीशी है, नीचे नेल पेंट वगैरह कुछ है। ये भाई कुछ नेल पेंट है जो सूख गया भाई, सूख चुका है भाई बुरी तरह से, ये देखो। शायद लाल लाल कुछ है, लाल दवा है नहीं वो काशी वासी की दम क्या, और यार ये चीज क्या है सुन रहे हैं, ब्लर करना पड़ेगा मुझे वैसे भी। इस लोकेशन पे अगर कोई स्पिरिट है जिसके साथ में गलत हुआ है, लेकिन नादानियां हर इंसान करता है, मैं ये मानता हूँ कि नादानी, ये नादानी हर एक इंसान से होती है, वो उम्र होती है, वो पड़ाव होता है। जब इंसान टीनेज में एंटर होता है और उसके बाद में वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाता, अपने आपको संभाल नहीं पता, बहक जाता है। लेकिन ऐसा बहकना भी किस काम का जिसमें घर वालों की इज्जत चली जाए, खुद का फ्यूचर चला जाए और आप खुद के खुद चले जाओ पूरे। प्लीज समझने की कोशिश करना मेरी बातों को। आवाज आई बिल्कुल हल्के से आई थी भाई, ऐसा कर नहीं है ना। हाँ इसको बोलते हैं जेनिया, दही मिलोने का है ना। हाँ भाई पुराने टाइम में ऐसे होते थे भाई, ये बनाए जाते थे गीली लकड़ी होती है ना, उसको काट के फिर उसको ऐसा आकार दिया जाता था। टोपी है खत्म हो गई यार। सूर्य भाई इस लोग सूर्य भाई ये देख मेरी बात सुन, इस पे देख क्या लिखा हुआ है, देख मोनू ऐसा कुछ लिखा हुआ है, गेट भी लगा हुआ है। चल खोल, खोले हाँ खोल लेगा, रहने तो कुछ नहीं छेड़ना अपने को। ये आवाज आई थी मेरे को एक ऊपर से, कहीं से रास्ते यही के ऊपर जाने का, ये सीढ़ी तो ये दिख रही है। नहीं हटे बड़े यहाँ, तो ये भी है इस तरफ, ये देख यही लग रहा मेरे को, यही है इस तरफ तो काटे हैं, इस तरफ से जल कहाँ जाता है ये तो देख पहले। ठीक है सूर्य भाई आराम से, जल्दी 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 जल्द
इसके अंदर भी था अभी। हाँ? इसमें कोई था? इसके अंदर भी था। देखो अगर आप इसके अंदर हो अगर आप इसके अंदर हो तो मैं हमदर्दी रखता हूँ आपके साथ में। आपने नादानी में वो कदम उठाए थे लेकिन वो जिंदगी आपकी खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी थी, जैसे आपने नादानी या उस नादान उम्र में कदम रखा था। हम अंदर आना चाहते हैं, अगर कोई अंदर है तो हमारे सामने आइएगा। इधर भी नहीं तो कोई भी नहीं सूर्य भाई यार, किधर पेन वेन पेंसिल वगैरह ही पड़ी है यार, चूड़ी टूटी हुई है। यहाँ कोई था यार अंदर, मैंने देखा है यार तो पे यार ऐसा कुछ भी नहीं दिखा यार सूर्य भाई, यहाँ पे तो इश्क की निशानियां दिख रही है भाई मुझे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। भाई भाई आ जाइए, आराम से आ रहा हूँ। ध्यान से कौन से इसके अंदर से आवाज आ रही है। हाँ भाई अंदर से आ रही है भाई आवाज। आवाज आ रही ना, आराम से सूर्य भाई, पांच लिए पड़े हैं। देख ओए पांच लिए पड़े, पांच लिए पड़े, पांच लिए पड़े। ओए सूर्य भाई, ओए सूर्य भाई चलते हैं, मैं बोल रहा हूँ। ओए निकल जाए यहाँ से, पांच सूर्य भाई निकल जाए, मैं बोल रहा हूँ। ले ओए चल चल सूर्य भाई चल, मैं बोल रहा हूँ तेरे को यार। क्या हो गया तू? चल चल मैं बोल रहा हूँ, मेरे घर चला। क्या हो गया तू? अरे नहीं चल नहीं, मैं बोल बात करता। क्या हो गया? नहीं नहीं बंद तो तेरे हिंदे खुले तेरे भाई। चल चल सूर्य भाई, अरे तो हिंदे में क्या हो गया? चल सूर्य भाई समझा कर, तेरी कसम मेरे गहने पे चली गया। क्या हो गया? तो नीचे बताऊंगा भाई देख। चल यार नहीं नहीं नीचे बताऊंगा। हो गया तू भाई? तो चल यार नीचे बता दूंगा, नीचे बता दूंगा। चल सूर्य भाई यार चल, तू चल यार, आवाज आने दे यार भाई। हुआ क्या तू? चल यार, अरे मैं चल लूंगा, तू बता दे। चल यार लोकेशन से बाहर निकलने के बाद बता दूंगा सूर्य भाई यार। क्या हुआ? उस कमरे में खड़ी थी यार, पीछे खड़ी थी वहीं, तो अंदर उस गया दिखाई नहीं तेरे को, तो
मेरे को बोलता तो सही, मैं बात करता। नहीं भाई, भाई वापस चले। नहीं भाई, गुस्से में थी यार, खतरनाक। हाथ ऐसे कंपन कर रही थी, ऐसे तिरछे विरछे से। तेरी कसम भाई, खुदा ना कसम, बड़ा बड़ा घोट दे। नहीं नहीं भाई, सूर्या भाई मैं नहीं जाऊंगा, तू चल जा पहले लेके। भाई खुदा ना कसम, गला वाला घोट दे। नहीं भाई, गुस्से में थी तेरी कसम यार। क्या करना है? कुछ नहीं, चलते बस। नहीं कोई ना, चल ले, रुके वापस। चलते हैं। नहीं सूर्या भाई यार, उधर चले। हाँ उधर यार, अब मेरे को डर लग रहा है तेरी कसम यार। उधर चलना है क्या? मैं क्या बोलूँ यार, नहीं चल, चलते हैं सूर्या भाई घर। एक बार चल के आ जाते ना। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। हाँ नहीं, अब नहीं चलना, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे सूर्या भाई। बात कहना चाहता हूँ आनंद भाई ने, पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई आनंद भाई ने क्या देखा क्या नहीं देखा, पर ये बोल रहे हैं तो मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। सरकारी स्कूल की ड्रेस है ना, वो तो 2 साल पुराना, अभी वाली तो चेंज हो गई सूर्या भाई। पुरानी वाली में थी वो, कैसी थी ड्रेस? स्कूल की, सरकारी स्कूल की थी यार, पुरानी वाली है ना वो, मेहंदी कलर के अंदर। नहीं पता भाई, हल्की हल्की सी, मुझे नहीं पता भाई। माफी चाहता हूँ कि इस लोकेशन से हमें जाना होगा, ये चीज यहीं रख देते भाई, हमारे कोई काम की नहीं है। आनंद भाई ने क्या देख लिया था जिसकी वजह से ये घबरा गए? आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आनंद भाई घबराए हैं, वो भी इतनी बुरी तरह से कि लोकेशन ही छोड़ के जाना पड़ रहा है हमें। भाई हाथ कम, मतलब हाथ कंपन हो रहे थे उसके, ऐसे तिरछे तिरछे। लेकिन मेरे ना आनंद भाई, प्रॉमिस करो कि मेरे साथ वापस जरूर आओगे। प्रॉमिस है, बस नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा। लेकिन अगर अगली बार आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप मेरे साथ रुकोगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं वादा चाहता हूँ आपसे। हाँ बस अभी के लिए चलते सूर्या भाई यार, निकलते, मैं बोल रहा हूँ चल यार सूर्या भाई। लेकिन माफी चाहते हैं आज के लिए। तू निकल। तो लोकेशन थी जैसे भी थी, हमने विजिट करी, आनंद भाई क्या दिखा क्या नहीं, वो वीडियो चेक करने के बाद पता चलेगा कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। मेरे अभी बस चल यार सूर्या भाई। नहीं छोड़ने वाली बात दूर अभी, प्लीज ऐसा कभी किसी के साथ में ना हो, तो ऐसी नादानी ना करे, और जिंदगी मिली है उसको खुशी से जिए। कब कौन सा पल आखिरी हो वैसे भी कुछ नहीं पता, तो ऐसे नादानी तो बिल्कुल ना करें। जय श्री महाकाल, आ जाओ आनंद भाई।